हाय फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएस नोट्स होम वीडियो सेल। पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, उसके बाद मैं ये बताऊंगी कि इस वीडियो में आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आई हैव ऑलवेज सजेस्टेड यू टू लर्न टैक्स सेक्शन वाइज। आप टॉपिक्स मत याद करो, आप सेक्शंस याद करो। जब आप सेक्शंस को याद करने लगोगे, उनको इंटरलिंक करने लगोगे, आपके लिए पेपर बहुत अच्छा लगेगा, आपको पढ़ने में बहुत मजा आने लगेगा, क्योंकि आपको सेक्शंस याद होने लगेंगे। जहां भी आप फर्दर पढ़ोगे, आपको प्रीवियस सेक्शन पढ़ा हुआ आपका याद जब आपको सामने दिखेगा, दैट विल मोटिवेट यू टू लर्न एंड रीड मोर एंड मोर ऑफ टैक्स। फर्स्ट वी सॉ टाइटल एप्लीकेबिलिटी एंड एक्सटेंट, दैट इज सेक्शन वन। सेक्शन वन सेड दैट This Act shall be known by the name Income Tax Act 1961, applicable from 1962, extends to entire India, including Jammu and Kashmir. ये हमने सेक्शन वन में देखा था। सेक्शन टू इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बताता है, जिसमें हमने असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन देखी थी। इनकम की हमने डेफिनेशन में ये देखा था कि इनकम की एक बहुत लंबी लिस्ट होती है। This list is not exhaustive, this is inclusive. Inclusive का मतलब यहाँ पे ये है कि इस लिस्ट में ये चीजें इंक्लूड करेंगे। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि इनकम की डेफिनेशन विल इंक्लूड 1, 2, 3, 4 दिस। जो लिस्ट में है बस वही इनकम है, यू डोंट हैव टू अज्यूम देयर एनीथिंग। फिर हमने ये देखा था कि दो ऑल इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आर, इनफैक्ट ऑल डेफिनेशंस आर इन सेक्शन टू, बट प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन सेक्शन थ्री में दी गई है। देन वी सॉ सेक्शन फोर। सेक्शन फोर में क्या बता रहा था कि सेक्शन फोर इज द रीजन व्हाई वी आर डूइंग इनकम टैक्स। सेक्शन फोर ही कहता है कि प्रीवियस ईयर की इनकम जो अर्न करी गई है उसके ऊपर टैक्स लगेगा असेसमेंट ईयर में। सेक्शन फोर की वजह से ही हम बाकी प्रोविजंस पढ़ते हैं कि इनकम क्या होती है, किस इनकम पे कितना रेट ऑफ परसेंट टैक्स लगना चाहिए, ये सब सेक्शन फोर के बाद फॉलो होता है। फिर हमने पहले देखा था सेक्शन सिक्स। सेक्शन सिक्स में हमने देखा ये, और हमने क्यों पढ़ा, इनफैक्ट हमने ये इसलिए पढ़ा था बिकॉज इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि इनकम टैक्स एक सिटीजनशिप के बेसिस पे नहीं लगेगी। डोमिसाइल आप जहां पे बर्थ लिया है आपने उसके हिसाब से नहीं लगेगी। इनफैक्ट इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन यू ऑन द बेसिस ऑफ योर रेजिडेंशियल स्टेटसशिप। That means, under residential status, which is section 6, you have to find out if you are a resident or you are a non-resident following basic conditions. If you are a non-resident, then you have one category. If you are a non-resident, then you further check about additional conditions and find out if you are a ordinary resident or you are non-ordinary resident. एक नॉन रेजिडेंट जो प्रीवियस एक बंदा जो प्रीवियस ईयर में नॉन रेजिडेंट रहा है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो सकता है, प्रोवाइडेड अगर वो एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल कर दे तो। आज हम क्या देखेंगे, आज हमने देखना है, हमने सेक्शन सिक्स पहले इसलिए पढ़ा था क्योंकि आरओआर क्या है, एनओआर क्या है, एनआर क्या है, ये हमें पता होगा तभी हम सेक्शन फाइव समझ पाएंगे। इसलिए हमने सेक्शन सिक्स पहले देखा था, आज हम देखेंगे सेक्शन फाइव क्या है, विच इज स्कोप ऑफ इनकम। स्कोप क्या होता है कि इनकम कहां कहां तक स्प्रेड हुई हुई है, कहां कहां किस किस रीच तक अर्न करी हुई इनकम को इनकम इंडियन इनकम टैक्स के अंदर इनकम समझा जाता है। आज हम देखेंगे सेक्शन फाइव, देन वी विल सी सेक्शन सेवन विच इज इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया, एंड वी विल सी इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। सेक्शन को आप सीरियल वाइज याद करिए, बहुत इजी रहेगा आपके लिए क्योंकि सब कुछ इंटरलिंक्ड है। फाइन, ये डीम डिविडेंड क्या है सेक्शन एट, ये हम तब देखेंगे जब हम कंपनीज का इनकम टैक्सेशन पढ़ेंगे, दैट इज टैक्स लाइबिलिटी ऑन अ कंपनी ऑफ अ कंपनी। बट यू विल लर्न दिस सेक्शन नंबर राइट नाउ, दैट सेक्शन एट इज फॉर डीम्ड इनकम, डीम्ड डिविडेंड सॉरी। देन सेक्शन 10 भी मैंने अभी इस लिस्ट में इसलिए लिख दिया है क्योंकि जब हम इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया पढ़ेंगे तब सेक्शन 10 बहुत बार रिपीट हो रहा है, जबकि आपको पढ़ाया नहीं गया है इस स्टेज पे सेक्शन 10,
इतना आप याद रख लीजिए कि जहां पे भी आपको सेक्शन 10 दिखेगा, अंडरस्टैंड इट इज टॉकिंग अबाउट एग्जेम्प्ट इनकम. सेक्शन 10 मीन्स एग्जेम्प्ट इनकम, मतलब कि ये वो इनकम है जो आपने अपने टोटल इनकम में ऐड भी नहीं करनी. शुरू से ही उसको आप लेस करके रखते हो, उसको उसमें कुछ माइनस नहीं करते, आप उसको अपने टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, उसको पहले ही इनकम की प्रीव्यू से बाहर रखते हो. कुछ ऐसी इनकम्स है जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करी गई है, करी है अंडर सेक्शन 10, जो हमेशा के लिए इनकम टैक्स से बाहर है. सो आप जहां पर भी सेक्शन 10 देखेंगे, सेक्शन 10 हैज अ लॉन्ग लिस्ट, इट इज सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, इट गोज ऑन, इट्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट. You will not have to mug it up, but slowly, slowly, जब आप ये chapters complete करते रहोगे, तो आपको पूरी list ध्यान आ जाएगी. So let us start with scope of income, which is section 5. See, I will explain you the category of incomes. Residents, non-resident, ROR, NOR के ऊपर हर category किस तरीके से apply की जाती है, and we will solve a question जिससे काफी चीजें बहुत अच्छे से clear हो जाएंगी. Section 5, you should learn that it is scope of income. There are few categories. Income is divided into, I'll just increase the size, jiske ki achhe se dikhe ye. See, first is, pehle to do tarike ki income hoti hai, income which is received, income in India and income outside India. इंडियन टेरिटरी के अंदर, इंडियन टेरिटरी क्या है, हमारी बाउंड्रीज है 200 नॉटिकल माइल्स इन एयर एंड वाटर, उसको भी इंडियन टेरिटरी कहते हैं. अगर इस टेरिटरी के अंदर आपने कोई पैसा रिसीव किया है या इस टेरिटरी के अंदर कोई भी पैसा अर्न किया गया है, ड्यू हो गया है, अराइज हो गया है, अर्न हो गया है, तो वो इंडियन इनकम है, विच इज टैक्सेबल फॉर एवरीवन. For all three categories, that is non-resident, ROR and NOR. अगर इसी टेरिटरी के अंदर कोई इनकम डीम्ड टू रिसीव है, कोई इनकम डीम्ड टू अक्रू एंड अराइज है, तो वो भी टैक्सेबल है फॉर ऑल. अब ये डीम्ड टू रिसीव एंड डीम्ड टू अक्रू एंड अराइज क्या है, ये हम सेक्शन 8 एंड सेक्शन सॉरी सेक्शन 7 एंड सेक्शन 9 में देखेंगे. सो राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दैट डीम्ड वर्ड में थोड़ी देर बाद आप बाद में एक्सप्लेन करूंगी, बाकी चीजें आप यहां पर समझने की कोशिश करेंगे. सो द कैटेगरीज आर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया. मतलब कि एक तो नॉर्मल इनकम विच यू आर रिसीविंग इन इंडिया, लाइक आई एम डूइंग बिजनेस इन इंडिया, आई एम अर्निंग इन इंडिया एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट इनकम इन माई हैंड इन इंडिया ओनली. मैं भी कोई बिजनेस बाहर हो रहा है बट उसकी इनकम मैं इंडिया में अर्न कर रही हूं, लाइक आई रिसीव माय सैलरी इन इंडिया. इनकम डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, कोई कोई कुछ ऐसे इनकम्स है जो सेक्शन 7 में है जो मान ली जाती हैं कि आपने रिसीव करी है इंडिया में, ये हम सेक्शन 7 में देखेंगे. अभी इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया, अक्रू मीन्स ड्यू हो गई है या अराइज हो गई है, ड्यू हो गई है, लाइक आज मैंने काम कर दिया बट आज मैंने काम कर लिया तो मेरा अर्निंग अक्रू हो गई है, इट हैज ऑलरेडी ऑलरेडी अराइज हो गई है, बट पेमेंट की डेट बाद में है तो पहले ड्यू हो गई है. सो इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू हैव बीन अक्रू और अराइज इन इंडिया. डीम्ड मतलब कुछ ऐसी इनकम्स है जो सेक्शन 9 में है जो मान ली जाती है कि इंडिया में अक्रू और अराइज हुई है. ओके, देन इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड आउटसाइड इंडिया, अक्रू आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फॉर और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया. दैट मीन्स बिजनेस आपका आउट ऑफ इंडिया है बट वो कंट्रोल इंडिया से हो रहा है. बिजनेस आउट ऑफ इंडिया है, आपने अर्न वही करा है आउट ऑफ इंडिया, आपने रिसीव भी आउट ऑफ इंडिया किया है, बिजनेस आपका आउट ऑफ इंडिया है बट वो कंट्रोल इंडिया में हो रहा है, उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज इन इंडिया, तब आरओआर के ऊपर क्या होगा, एनओआर के साथ क्या होगा और एनआर के साथ क्या होगा, ये हम देखेंगे. इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम और अ प्रोफेशन सेटअप आउटसाइड इंडिया. अब बिजनेस भी बाहर है, वहीं पे इनकम इज अर्न्ड
you receive income outside India, outside the territory of India, or maybe in that specific country, also that business or profession is set up and controlled outside India. तो इसमें तीनों चीजें बाहर हो रही हैं. Then income neither from business nor from profession received and accrued outside India. Basically यहाँ पे एक source of income को bifurcate किया गया है कि जो income business and profession से accrue हो रही है और वो business profession India में setup है तो उसको एक category बना रखी है. बाकी सारा accrue and arise accrue हो रहा है, arise हो रहा है, receive हो रहा है outside India from any other business. एनी अदर बिजनेस में सैलरी, कैपिटल गेन सब कुछ, बस एक जो बिजनेस एंड प्रोफेशन है वो भी जो इंडिया से अराइज हो रहा है उसको एक अलग कैटेगरी ली गई है. देन इनकम अर्नड इन द पास्ट रिपैट्रिएटेड टू इंडिया इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर. दैट मीन्स इनकम बहुत पहले आपने अर्न कर ली गई है बट आपके उस प्रीवियस ईयर में सिर्फ उसको इंडिया में लाया गया था. इट वॉज ब्रॉट इन टू इंडिया इन दैट प्रीवियस ईयर. ये कैटेगरीज और अच्छे से नीचे एक्सप्लेन करी हुई हैं और क्लैरिटी आएगी आपको. अब हम देखेंगे कि इन कैटेगरीज ऐसी सिचुएशंस जब होती हैं तो हमारे जो रेसिडेंशियल्स हैं, हमारे रेसिडेंस हैं, आरओआर है, एनओआर है, एनआर है, उनके साथ क्या किया जाता है उनकी अगर ऐसी इनकम ऑन होती है तो. पहले आपको ये याद रखना है कि जो रेसिडेंट है और जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है दैट मींस दैट पर्सन हैज कंप्लीटेड बोथ एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन एंड बोथ एडिशनल कंडीशन. वो सबसे ज्यादा इंडिया में रह रहा है तो रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो है उसकी ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया. वो कहीं भी रहे अगर वो इंडिया में प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट रहा है तो उसकी कमाई हुई इनकम चाहे उसने इंडिया में कमा रखी हो या उसने आउट ऑफ इंडिया कमा रखी हो या वो इंडिया में रिसीव करे या बाहर रिसीव करे, अगर वो रेसिडेंट है तो कहीं भी उसने कमाई हो आउट ऑफ इंडिया इन इंडिया वो सब सब पे इनकम टैक्स पे करेगा. तो आरओआर एक ऐसा इंडिविजुअल है, आरओआर एक ऐसी कैटेगरी है जो ग्लोबल इनकम पे, ग्लोबल ऑल ओवर द अर्थ ग्लोबल इनकम पे टैक्स पे करता है. अब ये बार आप ये पढ़ते पढ़ते ये मत भूल जाइएगा कि ये जो इनकम टैक्स हम पढ़ रहे हैं ये इंडिया का पढ़ रहे हैं, आप अपनी कंट्री का पढ़ रहे हो. आपकी गवर्नमेंट किस किस इंडिविजुअल से, किस किस कैटेगरी ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से, किस किस इंडिविजुअल से या बाकी सबसे इनकम इनकम टैक्स चार्ज करेगी. सो सी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अक्रूड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. इंडिया में आपने रिसीव करी है, इंडियन टेरिटरी में आपने रिसीव करी है तो तीनों को टैक्स पे करना होगा उसके ऊपर. इवन अ नॉन रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, वो इंडिया में है नॉन रेजिडेंट प्रीवियस ईयर में पर उसने इनकम जो है वो हमारे टेरिटरी में अगर रिसीव करी है तो उसको भी टैक्स पे करना पड़ेगा. तीनों इस पे टैक्स पे करेंगे. Then, income deemed to be received in India, whether accrue in India or not. मैंने अभी कहा था deemed to be received, हम section deemed to be received section 7 में देखेंगे. अगर इंडिया में रिसीव हुई है या deemed to be received है तो ये तीनों टैक्स पे करेंगे. Income now accruing or arising in India, whether received in India or not, चाहे आप उसको इंडिया में रिसीव करो या ना, लेकिन अगर इंडियन टेरिटरी में आपने कोई इंडियन टेरिटरी से कहीं भी किसी ट्रांजेक्शन से कोई भी इनकम अक्रू हो रही है या अराइज हो रही है देन यू हैव टू पे टैक्स टू इंडियन गवर्नमेंट ऑल थ्री केसेस. ऐसे ही इफ द इनकम इज डीम्ड टू अक्रू, जो हम सेक्शन 9 में देखेंगे, इफ इनकम इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया whether received in India or not, then again you have to pay tax, all three. तो ये तीन में आप ऐसे इसको याद रख लो कि that income received in India or deemed to be received in India, income accrue in India or deemed to accrue in India. ये चारों condition में सब के सब tax pay करेंगे in India. Now comes further categories. ये मैंने bold किया है क्योंकि इसमें change आ जाता है और यहां से इनकम आउटसाइड इंडिया शुरू हो गई. आपने देखा होगा कि ये चारों अभी इंडिया की बात कर रहे हैं. रिसीव इन इंडिया, डीम टू रिसीव इन इंडिया, अक्रू इन इंडिया, डीम टू अक्रू इन इंडिया. अब आएगी इनकम आउटसाइड इंडिया.
सो इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, ये एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे सिर्फ नॉन रेजिडेंट टैक्स नहीं देगा. दैट मींस कोई ऐसा बिजनेस बिजनेस सेटअप कर रखा है आउट ऑफ इंडिया, आप वही आउट ऑफ इंडिया ही रिसीव कर रहे हो, पैसा भी वहीं पे अक्रू हो रहा है, वहीं ड्यू हुआ है, भी वहीं वहीं बर्थ लिया है उस पैसे ने, और रिसीव भी आप आउट ऑफ इंडिया कर रहे हो. बट वो बिजनेस अगर इंडिया में सेटअप, इंडिया से कंट्रोल्ड है, सॉरी इंडिया से कंट्रोल्ड है, या इंडिया में सेटअप करे, किसी भी उनके ऑफिस से कंट्रोल कर रखा है, तो इस पे रेसिडेंट रेसिडेंट तो देगा ही देगा आरओआर, बिकॉज आरओआर तो ग्लोबल इनकम पे टैक्स देता है, एनओआर भी देगा. ये ही एक यहां पे सबसे ज्यादा नोट करने वाली बात है. रेसिडेंट तो देगा ही देगा, साथ में एनओआर भी देगा, और नॉन रेजिडेंट नहीं देगा, बिकॉज नॉन रेजिडेंट के लिए क्या है, वो इंडिया में बहुत कम दिन रहा है, इनकम आउट ऑफ इंडिया अर्न हुई है और उसने रिसीव भी वही करी है, तो वो तो पैसे, वो तो टैक्स नहीं देगा. अगर उसने इंडिया में कोई पैसा रिसीव किया होता तो वो डेफिनेटली देता. एनी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, टैक्स देना पड़ेगा. एनी इनकम अक्रू इन इंडिया, टैक्स देना पड़ेगा, कोई भी हो. एनी इनकम डीम टू रिसीव, डीम टू अक्रू इन इंडिया, टैक्स देगा. बट इफ द बिजनेस, और ये सिर्फ बिजनेस एंड प्रोफेशन की बात हो रही है, ओनली बिजनेस प्रोफेशन विच इज सेटअप एंड कंट्रोल्ड इन इंडिया, चाहे उसकी इनकम बाहर रिसीव करी गई हो या बाहर अक्रू हुई हो, तो बस एनआर नहीं देगा, रेसिडेंट तो सब पे देगा. और यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि एनओआर को देना पड़ेगा टैक्स इसके ऊपर. नाउ इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड आउटसाइड इंडिया, बाहरी अक्रू हो रही है, बाहरी रिसीव हो रही है, फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया और अ प्रोफेशन सेटअप आउटसाइड इंडिया. अब सेटअप भी बाहर है, कंट्रोल भी बाहर है उसका, बाहरी अक्रू हो रही है, बाहर रिसीव हो रही है, सब कुछ तो बाहर हो रहा है, एनआर क्यों देगा? रेसिडेंट आरएनओआर भी नहीं देगा इसमें, और रेसिडेंट को देना पड़ेगा क्योंकि वो इंडियन रेसिडेंट है, वो तो कहीं भी कमाएगा, ग्लोबल इनकम करेगा, तो उसको इंडियन गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट इज इनकम अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया. बस बाहर अर्न करेगा ये पहले, और प्रीवियस ईयर में उसको इंडिया में लाया गया है. वेदर टैक्स इंसिडेंस अराइजेस एट द टाइम ऑफ रेमिटेंस, ये क्वेश्चन यहाँ ये पूछ रहा है कि इनकम पहले अर्न हो गई है, मे बी उसमें टैक्स दे दिया होगा, अगर एग्जेम्प्ट होगी तो उसका ट्रीटमेंट पहले हो चुका है. क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे ये है कि जब उसको इंडिया में लाया जा रहा है तब क्या उसके ऊपर टैक्स अराइज होगा? नो, नन इन एनी केस, नॉट इवन इन रेसिडेंस, रेसिडेंट ऑल्सो. ओके, पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट्स नॉट टैक्सेबल एज रिलेट्स टू पास्ट ईयर. पास्ट के प्रॉफिट्स है, पास्ट के प्रॉफिट्स तो जबकि जबकि वो अनटैक्सेबल थे, नॉट टैक्सेबल थे, वो आज टैक्सेबल करोगे उसको? नहीं, वो तो टैक्स, उसको तो टैक्स लगना ही नहीं था, वो ऑलरेडी टैक्स से बाहर थे. नाउ दिस एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट फॉर एवरीवन इन इंडिया, दिस इज व्हाट वी विल डू इन नेक्स्ट चैप्टर. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये कुछ शेयर्स होते हैं जिसके ऊपर अगर आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी पे कर रखा है, एंड दे आर या और दे आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, तो सेक्शन 1038 के अंडर ये एग्जेम्प्ट होते हैं. इसके ऊपर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाए, दिस वी विल डू इन डिटेल इन कैपिटल गेन चैप्टर. डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी में क्या होता है, डोमेस्टिक कंपनी है जो वो अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो शेयर होल्डर्स के हैंड में टैक्स नहीं, टैक्सेबल नहीं होता. इनफैक्ट गवर्नमेंट डायरेक्टली कंपनी से टैक्स ले लेती है, रादर देन गो इन टू ईच इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स के पास जाके टैक्स लेने से, वो ऐसा करती है कि सीधे कंपनी को ही टैक्स कर देती है उसके ऊपर. सो इट इज टैक्सेबल, इट इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, इट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1031. इसलिए मैं आपको कह रही थी कि जहां पे भी सेक्शन 10 आपको दिखेगा, आपके दिमाग में पहले ही आ जाना चाहिए कि ये एग्जेम्प्ट इनकम की बात हो रही है. ये सब काफी डिटेल है, बाद में डिस्कस होगा, यहाँ पे हम बस ब्रशअप करेंगे. गिफ्ट्स आर एग्जेम्प्ट बेसिकली,
और बट अप टू 50,000, अगर 50,000 से जो ज्यादा होता है तो वो टैक्सेबल हो जाता है, सो इट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट. आपने बेसिकली अभी इस चैप्टर में सिर्फ यहां तक ध्यान देना है, बस यहां तक ध्यान देना है. इसके बाद ये जो चीजें हैं, एग्रीकल्चर इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स लिस्टेड, डोमेस्टिक कंपनी जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, 1034, 1038 सेक्शन एंड गिफ्ट, ये सब अच्छे से डिटेल में आएगा. तो आपको धीरे 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 पीछे की बातें और अच्छे से समझ में आने लगेगी. लेट्स डू अ क्वेश्चन. सी यहाँ पे मिस्टर एक्स का एग्जाम्पल लिया गया है, उसकी कुछ इनकम्स आपको बता रखी हैं और हमने कुछ इनकम्स बता रखी हैं, और हमने ये बताना है कि अगर मिस्टर एक्स रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया में इन प्रीवियस ईयर, तो उसके उसको कितना इनकम टैक्स से पे करना पड़ेगा या उसकी टैक्सेबल इनकम क्या होगी. अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो क्या होगा, अगर वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तब क्या होगा. पहला क्वेश्चन में क्या है, दिस इज फॉर द असेसमेंट ईयर 17 18 प्रीवियस ईयर 31 मार्च 17. डिटरमाइन द इनकम टैक्सेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 17 18 इफ मिस्टर एक्स इज रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट. ओके, पहली इनकम क्या अर्न हुई है, इट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अ बिल्डिंग इन इंडिया बट रिसीव्ड इन हॉलैंड. सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग इंडिया में है, सो इट मीन्स दिस इनकम हैज बीन अक्रूड इन इंडिया. सो एनी इनकम अक्रूड इन इंडिया और डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया शैल बी टैक्सेबल फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ पीपल. ओके, नाउ पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव इन, ये ऑब्वियसली ये भी फिर से अक्रूव इन इंडिया हुई तो टैक्सेबल टू ऑल. इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स, अब ये ध्यान रखना यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स इंटरेस्ट है, आउट ऑफ इंडिया अक्रू तो हुआ है बट 1/4 बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया, तो जो 1/4 इंडिया में रिसीव करा गया वो टैक्सेबल होगा सिर्फ एनओआर एनआर में. इसके लिए पूरा टैक्सेबल होगा बिकॉज ये रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, इसके ऊपर ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी, तो इसके में सिर्फ 1/4 ही नहीं टोटल 20,000 विल बी टैक्सेबल फॉर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन ऑस्ट्रेलिया, प्रॉपर्टी आपके ऑस्ट्रेलिया में आउट ऑफ इंडिया है, अक्रू वहां हो गई एंड रिसीव्ड इन यूएसए, दोनों चीजें बाहर हो रही है बट रेजिडेंट उतनी नहीं पड़ेगी क्योंकि रेजिडेंट इज अ इज पेड इज चार्ज टैक्स ऑन ग्लोबल इनकम, बाकी दोनों से हमें मतलब नहीं है. एनओआर से सिर्फ हमें तब मतलब होगा जब वो बिजनेस प्रोफेशन वाला केस आएगा विच इज सेटअप एंड कंट्रोल्ड इन इंडिया. ओके, इनकम अर्नड फ्रॉम अ बिजनेस इन एबिसिनिया विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम जिम्बाब्वे. ओके, बिजनेस हुआ है बाहर एंड ऑल्सो कंट्रोल फ्रॉम अदर कंट्री आउटसाइड, 30,000 इज रिसीव्ड इन इंडिया एंड 70,000 टोटल इनकम ऑन हुई है. रेसिडेंट तो पूरा देगा, जो 30,000 सिर्फ रिसीव्ड इन इंडिया बाकी सब उस पर देंगे. एनओआर एंड एनआर विल पे टैक्स ऑन 30,000. नाउ डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी बट रिसीव्ड इन हॉलैंड, फाइन डिविडेंड ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी. अभी मैंने आपको बोला कि इंडियन कंपनी जब भी डोमेस्टिक कंपनी, मैंने बोला कि जब भी डिविडेंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो डिविडेंड टैक्स कंपनी देती है, सो इट इज एग्जेम्प्ट अंडर 1034 सबसेक्शन 34 इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स. बट यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कि ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा गया है इन शेयर्स पे, दिस इज नॉट क्वालिफाइंग फॉर द एग्जेम्प्शन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34. फॉर दिस एग्जाम्पल जस्ट कीप दिस एग्जेम्प्शन आउटसाइड. एंड इफ डिविडेंड ऑफ एन इंडियन कंपनी इंडिया में अक्रू हुई है, ये 10,000 सब पे करेंगे इसके ऊपर टैक्स, सो दिस इज योर टैक्सेबल इनकम. प्रॉफिट्स नॉट टैक्स्ड प्रीवियसली ब्रॉट इनटू इंडिया, जस्ट ब्रॉट इनटू इंडिया, यहाँ पे क्वेश्चन वो रेमिटेंस वाला है, पहले टैक्स नहीं हुआ फाइन में भी वो नहीं टैक्स होना होगा उसको, ओनली द क्वेश्चन इज कि वो रेमिटेंस के टाइम पे उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए या नहीं. सो नो, प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन नागपुर, बिजनेस सेटअप है नागपुर में विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम हॉलैंड,
बट बाहर से कंट्रोल रहे. सो दिस इज बेसिकली अक्रूड इन इंडिया, सो टैक्सेबल फॉर ऑल. ये बस इनका सम कर रखा है. सो सम ऑफ दिस 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 होल इज द टोटल टैक्सेबल इनकम फॉर मिस्टर एक्स. अगर मिस्टर एक्स प्रीवियस ईयर में आर ओ आर है, अगर एन ओ आर है तो ये होगी, एन आर है तो दिस 106000. सो दिस इज वॉट सेक्शन 5 सेज कि कौन सी इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए. दिस इज वॉट सेक्शन 5 सेज. नाउ जो हम बार बार ये डीम 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 डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज वेरी सिंपल. बेसिकली डीम मतलब कौन सी ऐसी इनकम है जो मान ली जाती है. दिस वी विल सी इन नाउ फर्स्ट वी विल सी सेक्शन 7 व्हिच इज डीम्ड रिसीव. जो हमने पहले पढ़ा था कि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल टू ऑल एंड इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड. नाउ डीम्ड टू बी रिसीव्ड क्या है, कौन सी ऐसी इनकम है जो डीम्ड, जो मान ली जाती है कि इंडिया में रिसीव हुई है. दिस वी विल सी इन सेक्शन 7. ओके ओके, सो व्हाट डज सेक्शन 7 सेज. डीम्ड इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, सेक्शन 7 में 3-4 पॉइंट्स है. इसके अलावा भी कुछ इनकम्स होती हैं विच इज ऑल्सो डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, वो हम थोड़े फ्यूच आगे के चैप्टर्स में देखेंगे. फॉर नाउ आप सिर्फ सेक्शन 7 लर्न करो कि सेक्शन 7 क्या कहता है. सेक्शन 7 ये कह रहा है, बेसिकली सेक्शन 7 प्रोविडेंट फंड की बात कर रहा है और इस डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया वाली इनकम है जो सेक्शन 7 में है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा प्रोविडेंट फंड पढ़ना पड़ेगा विच इज अ टॉपिक ऑफ सैलरी. ये टॉपिक सैलरी में भी आएगा बट हमने पढ़ना ही है, सो इट इज गुड यू लर्न नाउ. ये टॉपिक अभी भी समझ में आएगा. डीम्ड इनकम तो आपको अच्छे से समझ में आएगी अभी, बट एक्चुअली में जहां पे सैलरी का पोर्शन डिस्कस हो रहा होगा वो सैलरी चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर होगा. दिस इज इम्पोर्टेंट चैप्टर, इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर सैलरी ऑल्सो. आप यहाँ पे पढ़ोगे, आप सैलरी में भी दोबारा पढ़ोगे तो ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. सेक्शन 7 सेज, Hold on, I'll just scroll it. The following incomes are deemed to be received by an assessee. पहली क्या है, employer's contribution to recognized provident fund in excess of 12% of salary of employee. I'll just read these four points. अभी समझ में नहीं आएंगे. I will take this discussion into the provident fund. तब ये points I will come back and I'll read again. तो ये अच्छे समझ में आएंगे आपको. इंटरेस्ट अक्रूड ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बैलेंस इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम. टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ट्रांसफर्ड बैलेंस ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन स्कीम रेफर टू इन सेक्शन 80CCD. ये चार ऐसी चीजें हैं, मतलब अगर आपको इन चार पॉइंट्स में रिसीव हो रहा है या ये चार बेनिफिट्स आपको अगर मिल रहे हैं एज एन एम्प्लॉय अगर आपको ये चार बेनिफिट्स मिल रहे हैं देन ये चार बेनिफिट्स इज योर डीम्ड इनकम, तो भी इसके ऊपर टैक्स आप लगाओगे फॉर ऑल थ्री कैटेगरी. अब ये चार पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करती हूँ. Inquiry, I said you, we will have to come to this one to do this provident fund. This is again, I'll mention it here. This is your topic from a salary chapter, which is very important topic for a salary also. So, आपको अच्छे से revision हो जाएगा, आप दोबारी करोगे तो और बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. See, what happens? एक गरीब इंसान है जिसके पास हार्डली 1 या 2000 पर मंथ की सैलरी होती है, उसके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो नॉर्मल लाइफ जी सके, तो वो सेविंग्स तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता. इन केस में क्या होता है, एंड आफ्टर रिटायरमेंट अभी वो सेविंग नहीं कर पा रहा, सेविंग तो दूर की बात है, अभी वो नॉर्मल खर्चे भी नहीं निकाल पा रहा, तो वो सेविंग्स तो बहुत दूर की बात है, और रिटायरमेंट के टाइम पे वो क्या करेगा. सो दिस इज द स्कीम ऑफ प्रोविडेंट फंड. इसमें क्या हुआ था कि गवर्नमेंट केम अप विद द स्कीम. अंडर दिस स्कीम एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई बोथ आर सपोज टू इन्वेस्ट सम मनी इन टू दैट स्कीम.
इसको आप एक पिगी बैंक बोल सकते हो, अपने एक गुल्लक बोल सकते हो, जिसमें दोनों कुछ कुछ अमाउंट को डिपॉजिट करते थे और आपको ईयरली इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, और जब आप रिटायर होते हो तो आपको पूरे स्कीम का लमसम अमाउंट यू गेट इन योर हैंड। तो एक तो आप इनकम आप अपनी सैलरी में से उसको प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट करोगे, और साथ ही साथ वही इक्वल अमाउंट आपका एम्प्लॉयर भी करेगा। आपको वो हाथ में सैलरी भी दे रहा है 1,000, और उसके साथ वो 1,000 मे बी 200 or 300 रुपीज पर मंथ आपके प्रोविडेंट फंड स्कीम में भी डिपॉजिट करा रहा है। सो दिस पर्सन इज गिविंग यू सम बेनिफिट अदर देन सैलरी ऑल्सो, विच इज ऑल्सो योर सैलरी। ये भी आपकी एक सैलरी ही है, बिकॉज सैलरी नॉट ओनली इंक्लूड्स कैश विच द एम्प्लॉय गेट्स, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स अदर बेनिफिट्स अदर देन कैश। यहाँ पे चार तरीके के प्रोविडेंट फंड्स हुए थे, दैट वाज स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड ऑल्सो नोन एज एसपीएफ। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है, इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होता है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, दिस इज फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, एंड अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज ऑल्सो फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। एंड देन केम द पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब ये सब एम्प्लॉयज के लिए हैं। एम्प्लॉयज के अलावा भी अगर कोई बिजनेसमैन है या कोई और है, वो भी अगर इस प्रोविडेंट फंड की स्कीम के अंदर सेविंग्स करना चाहता है फॉर द रिटायरमेंट, तो वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक उसके लिए ऑप्शन है। नाउ फर्स्ट वी विल डू स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड क्या है? देयर विल बी फोर एक्टिविटीज इन द फंड, इन द स्कीम हैपनिंग। फर्स्ट इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, टू एक्टिविटीज हो गई। एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिलेगा, एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिलेगा, और फाइनली जब ये पूरे रिटायरमेंट ये स्कीम खत्म हो जाएगी तो आपको लमसम अमाउंट यू विल गेट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो फाइव एक्टिविटीज हो गई। एंड नाउ वी विल सी कि कब किस एक्टिविटी में चार्ज किया जाएगा टैक्स। व्हेन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट्स इन स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। दिस इज ऑल्सो यू कैन से प्रमोट करने के लिए भी। नाउ आई एम सेइंग फुल्ली एग्जेम्प्ट, ये कहीं ना कहीं सेक्शन 10 में आएगा। आप जब सेक्शन चैप्टर पढ़ोगे इनकम विच डो नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ इनकम, ये सब चीजें वहां पे आपकी कवर हो रही हैं। जब आप वहां जाओगे आपको सिर्फ रीड करना होगा। जो इम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब कि उसकी सैलरी अगर 1,000 है, उसकी सैलरी में से 200 रुपीज अगर इम्प्लॉयर डिडक्ट कर लेता है और इम्प्लॉय को सिर्फ 800 रुपीज दे रहा है, तो वो जो 200 रुपीज उसकी सैलरी से डिडक्ट करके पीएफ में डाल रहा है, वो जो डिडक्शन है वो उसकी सैलरी से निकल रहा है, और फर्दर इट इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर चैप्टर 80 अंडर सेक्शन 80C। दिस इज द बेनिफिट विच द एम्प्लॉय गेट्स। ये डिडक्शन क्या होता है अंडर सेक्शन 80C, ये डिडक्शन का अंदर चैप्टर है, वहां पे आप अच्छे से समझोगे। यहाँ पे आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझना है, हमें बेसिक फोकस डालना है डीम्ड इनकम पे, डीम्ड इनकम पे जो थोड़ी देर में बताऊंगी आपको। देन इफ द इंटरेस्ट इज अर्न ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट करा गया है, और जब आप लमसम रिमूव करोगे फ्रॉम योर स्कीम देन ऑल्सो इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। सो बेसिकली स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपका स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड स्कीम चल रहा है, देन यू गेट आइदर द अमाउंट इज एग्जेम्प्ट और यू गेट डिडक्शन। डिडक्शन बेसिकली आपको खुद के कॉन्ट्रीब्यूशन में मिलता है। देन कम्स रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या हो रहा है, अगेन द एम्प्लॉयर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में हमें सबसे ज्यादा देखना है, सबसे ज्यादा चीजें याद करने वाली इसी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में है। इसमें क्या हो रहा है कि जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, इनकम टैक्स के अंडर ओनली 12% तक का कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर इज एग्जेम्प्ट। 12% ऑफ व्हाट? 12% ऑफ सैलरी।
सैलरी का क्या मतलब है? दैट इज सैलरी इंक्लूड्स योर बेसिक पे व्हिच यू गेट इन योर कैश, योर ड्यूरनेस अलाउंस, कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज. ये सैलरी क्या है, इसके अंदर क्या क्या ये टर्म्स मैं यूज कर रही हूँ, ये सैलरी चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. यहाँ पे सिर्फ आप ये समझो कि जो 12% ऑफ सैलरी से अगर ज्यादा इम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट करा है इन योर RPF, मतलब कि आपको एज इट इज इम्प्लॉयर तो बेनिफिट दे रहा है. एग्जेम्प्ट क्या किया है इनकम टैक्स एक्ट ने, 12% ऑफ द सैलरी. अब ये 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट है, इससे एक्सेस अगर आप कुछ रिसीव कर रहे हो, नॉट रिसीव, इससे एक्सेस अगर कुछ इंप्लॉयर आपके बिहाफ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो आपकी इनकम मान ली जाती है. वो एक्सेस पोर्शन विच इज अबव 12% ऑफ सैलरी बिकम्स योर डीम्ड इनकम, विच इज एक्चुअली यू डोंट रिसीव इन कैश बट उसने आपके बिहाफ पे डिपॉजिट किया है, यू गेट अ बेनिफिट, सो इट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड. दिस इज ऑल्सो टैक्सेबल. खुद के कॉन्ट्रीब्यूशन भी यू अगेन गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, एंड देन कम्स द इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ ऑफ देम. यहां पे क्या हो रहा है, अब इंटरेस्ट का परसेंटेज जो प्रोविडेंट फंड के अंडर होता है 9.5%. नाउ इफ यू आर गेटिंग एनी इंटरेस्ट बियॉन्ड 9.5%, से 10%, 10.5, जो एक्स्ट्रा 9.5% से जो एक्स्ट्रा है, दैट पोर्शन इज एन एडिशनल बेनिफिट टू यू. 9.5% तक तो एग्जेम्प्ट कर रखा है इनकम टैक्स के अंडर. अगर 9.5% से एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आप रिसीव करते हो, दिस इज अगेन दैट एक्सेस पोर्शन अबव 9.5% शैल बी डीम्ड रिसीव्ड इनकम इन योर हैंड्स एंड इट इज टैक्सेबल. अगेन इफ यू एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट द एंटायर लमसम अमाउंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. वट हैपन्स विद अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन इज अगेन फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. यू डोंट गेट, बेसिकली ये अनरिकॉग्नाइज में सबसे ज्यादा कम बेनिफिट मिलते हैं. यहाँ पे तो एग्जेम्प्ट कर दिया है एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, बट जब आप रिमूव करते हो उसको लमसम अमाउंट, तब वो टैक्स कर लेते हैं. खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन पे भी आपको डिडक्शन नहीं मिलता, बिकॉज दिस इज अनरिकॉग्नाइज्ड, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमिश्नरेट्स, एंड दिस वन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रोविडेंट फंड एक्ट. जो आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, तो आपको फुल्ली एग्जेम्प्ट हो गया है. एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन पे आपको एक डिडक्शन भी नहीं मिलता. जो इंटरेस्ट आप रिसीव कर रहे हो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन पे, जो इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो वो तो एग्जेम्प्ट है. सिंस द कॉन्ट्रीब्यूशन इज एग्जेम्प्ट, द इंटरेस्ट विच यू रिसीव ऑन हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट. जो खुद के कॉन्ट्रीब्यूशन पे जिसपे डिडक्शन आपको नहीं मिला था, वो आपकी इनकम मानी गई है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आप रिसीव कर रहे हो वो आपकी इनकम है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. अब यही इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस चैप्टर में फिर से रिवाइज होगी, वहां पे फिर से रिपीट करी गई होगी. व्हाट हैपेंस व्हेन यू रिटायर एंड आप अपने अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से मनी रिसीव करते हो, विदड्रॉ करते हो, जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है दैट बिकम्स योर सैलरी, दैट बिकम्स योर इनकम अंडर द हेड सैलरी एंड इट इज टैक्सेबल. नाउ ऊपर उसको एग्जेम्प्ट कर दिया था, बट रिमूवल के टाइम पे पूरा टैक्स कर दिया. ऑल्सो द इंटरेस्ट ऊपर एग्जेम्प्ट था, यहाँ पे आके टैक्स कर दिया. खुद जो आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया है वो भी टैक्स कर रखा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से, और वहां पे आपने जो कॉन्ट्रीब्यूट किया उसको रिडक्शन नहीं मिला, तो वो आपकी इनकम ही रही. ओके, सो द पोर्शन ऑफ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन द सेम विल बी टैक्स्ड एज सैलरी इनकम. नाउ यहां पे ये टैक्सेबल है. अब सडनली इफ यू इफ द असेसी ट्राइज टू कन्वर्ट योर हिज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इनटू अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, क्योंकि यहाँ पे एग्जेम्प्ट है टैक्स से बचने के लिए, वो अनरिकॉग्नाइज से रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है, तो जो ट्रांसफर कर रहा है वो अपने बैलेंस फ्रॉम URPF टू RPF वो पूरा आपका इनकम मान ली जाएगी, एंड दैट विल बी डीम्ड रिसीव्ड इनकम इन योर हैंड्स एंड इट इज फुली टैक्सेबल. तो तीन डीम्ड हो गई, एक तो ये 12% से एक्सेस, एक 9.5% इंटरेस्ट रेट से एक्सेस, और जब आप ये ट्रांसफर कर रहे हो तब ये आपकी डीम्ड इनकम हो जाएगी. व्हाट हैपेंस इन
अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज के लिए नहीं होता, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होल्ड ही नहीं करता, इट इज नॉट एप्लीकेबल, इसलिए उसका इंटरेस्ट भी नहीं होगा। बट विच यू कॉन्ट्रीब्यूट, लाइक आई एम नॉट अ सैलरीड पर्सन, इफ आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, देन वट एवर इन अमाउंट आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग, मैं उसको अपनी टोटल इनकम में से डिडक्शन ले सकती हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने हर मंथ 2000 रुपीज में डिपॉजिट कर रही हूँ, तो जो मेरा पूरे साल का 2000 into 12 months कर रही हूँ, तो पूरे साल में उतने अमाउंट का डिडक्शन ले सकती हूँ। दिस इज द बेनिफिट, डिडक्शन लेना मतलब कि आपकी इनकम को उतने अमाउंट से रिड्यूस करना, मेरे लिए बेनिफिट है बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मेरी इनकम कम से कम दिखे, इसलिए मुझे डिडक्शन मिल रहा है, तो इट इज अ बेनिफिट फॉर मी। ऑल्सो इट इज वे टू प्रोमोट कि और से और लोग प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करें। सारे प्रोविडेंट फंड जहां जहां पे आपको डिडक्शन मिल रहा है इन्वेस्ट करें, जिसके कि आपको डिडक्शन के अट्रैक्शन से ही वो इन्वेस्ट करें। जो आपने खुद इंटरेस्ट आपको मिलता है आपको कॉन्ट्रीब्यूशन, उसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया है। ऑल्सो वेन यू रिमूव विड्रॉ द लमसम अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो भी आपको पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होता है। सो दिस इज व्हाट इज सेक्शन 7 सेज व्हिच इज डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया। एक बार हम यहाँ पे रीड करेंगे तो सब आप रिलेट करोगे। सी, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 12% से एक्सेस जो हो रहा है, इन एक्सेस ऑफ 12% वो आपकी डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया है। इंटरेस्ट अक्रूड और रिकॉग्नाइज्ड ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड व्हिच इज फंड बैलेंस in excess of 9.5% per annum, then the taxable portion of transferred balance of URPF to RPF. ये जो D point है, D point में भी एक ये pension scheme है. This is the contribution if central government is making any contribution on your behalf in that pension scheme under section 80CCD. ये deduction chapter में अच्छे से आएगा. तो it is a benefit for you. Basically, you are not contributing, but central government is doing it on your behalf. तो ये आपके लिए एक benefit है. आपको cash में नहीं मिल रहा, but एक benefit मिल रहा है. So this is your income which you have received in India. So here ends section 7 also. Section 7 में चार चीजें आपको याद रखनी है. इससे आपका provident fund topic बहुत अच्छे से cover हो गया है. Now we will move to section 9, which is deemed accrue and arise in India. Okay, now we are doing section 9. कौन सी, basically इस section ने कुछ ऐसी confusions को clear किया है कि कुछ ऐसी incomes हैं जो मान ली जाती है कि इंडिया में accrue हुई है, जहां पे confusion होता है, then we refer to section 9. This section 9 is very important. It is a heart of international taxation. यहाँ पे you will get numerical on these MCQs on this topic, but international taxation के लिए ये बहुत important है. So इतना बच्चों को confusion लगता है इसे, but ऐसा कुछ है नहीं. There are few topics which कुछ points हैं इनफैक्ट जो आपको बस याद रखने हैं इस section में. Otherwise there is not much to learn in this section. See what it is saying. That for an example, business is set up outside India, but कुछ connection India में है, in the form of a factory और कोई branch office है, ऐसा कुछ setup है जो India में है, जिससे कुछ income earn हो रही है, business बाहर है, उसका कुछ branch या factory is in India, so उस branch और factory से अगर कुछ income earn हो रही है, तो उस income को section 9 ने deemed to accrue and arise in India मान लिया है। So section 9 ये कह रहा है, provides that income is deemed to accrue if it accrues directly or indirectly through or from any business connection in India. किसी business connection से यहाँ India में अगर earning हो रही है, तो उसको deemed to accrue and arise in India बोलेंगे। अगर कोई ऐसी property है India में जिसको sell करने से कुछ income earn हो रही है, मे बी दो NRIs हैं और उन दोनों में ट्रांजेक्शन हो रहा है ऑन अ प्रॉपर्टी, बट दैट प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, और मे बी एनी एसेट विच इज इन इंडिया,
तो उसको अक्रू इन इंडियन अराइज अराइज इन इंडिया बोला जाता है थ्रू ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल असेट. नाउ दिस असेट इंक्लूड्स योर टैंजिबल असेट, इनटैंजिबल असेट, कोई कॉपीराइट है, कोई पेटेंट है जो इंडिया में है, उससे अगर कोई इनकम अर्न हो रही है जस्ट बिकॉज इट इज इन इंडिया, तो उसको अक्रू एंड अराइज इन इंडिया माना जाएगा. अगर उस बिजनेस कनेक्शन से या उस प्रॉपर्टी से या उस असेट या कैपिटल असेट के ट्रांसफर करने से पूरी इनकम उस ट्रांजैक्शन से नहीं हो रही है, कुछ हाफ इनकम या प्रोपोर्शनेट हो रही है, तो प्रोपोर्शनल इनकम विल ओनली बी कंसिडर्ड टू बी अक्रू एंड अराइज इन इंडिया एंड अकॉर्डिंगली ही उसके ऊपर टैक्स लगेगा. आई विल रीड दिस लाइन. इन केस ऑफ अ बिजनेस ऑफ विच ऑल द ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया, only such part of the income as is reasonably attributable to the operations carried out in India would be the income deemed to accrue or arise in India. जितना इंडिया में पोर्शन है उसके हिसाब से ही उतनी उसी प्रोपोर्शनेटली उस इनकम को अक्रू एंड अराइज इन इंडिया माना जाएगा. फाइन, बिजनेस कनेक्शन इज देयर इन इंडिया बट देयर आर फोर थ्री कंडीशंस जहां पे बिजनेस कनेक्शन होने के बाद भी उसको बिजनेस कनेक्शन कंसिडर नहीं किया जाता और उसको डीम टू अक्रू एंड अराइज इन इंडिया नहीं माना जाता. व्हाट आर दोज एक्सेप्शंस? वन, अगर कोई भी ऑपरेशन इंडिया में हो रही है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, only for the purpose of export, then that income is not considered as deemed to accrue and arise in India. See, ये section normally non-resident के ऊपर ज़्यादा focus कर रहा है. ये obviously हमारे resident and ordinary resident, non-ordinary के ऊपर तो लगेगा ही लगेगा. ये non-resident को ज़्यादा highlight कर रहा है section. इसीलिए मैंने कहा कि दिस इज द हार्ट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन. ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. नो इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया इफ द ऑपरेशंस ऑफ द नॉन रेजिडेंट इज कन्फाइंड टू द परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट. इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रनिंग अ न्यूज एंड एजेंसी. सो सेकेंड एक्सेप्शन इज इफ द एजेंसी इज डूइंग द ऑपरेशंस ऑफ कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया. फॉर एन एग्जाम्पल, इंडिया में क्या हो रहा है, फॉरेन चैनल वाले हैं, उन्होंने इंडिया की न्यूज बस यहाँ से कलेक्ट करी है, यहाँ पे सर्वे करे है, व्यूज कलेक्ट किए हैं एंड अपनी कंट्री में व्यू कर रहे हैं. तो दिस इज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया बट इट इज नॉट इनकम अक्रू एंड अराइज इन इंडिया. सिमिलरली, अगर कोई शूटिंग फॉरेन फिल्म बन रही है यहाँ पे, इफ दे कम टू इंडिया फॉर शूटिंग और एनी सिनेमेटोग्राफी फिल्म इन इंडिया, even that operations are excluded from section 9. What is a business connection? Basically, कोई ऐसा setup India में है किसी non-resident का जिससे connection है एक non-resident और इस business में, इस setup में in India में, and that setup is earning some, fetching some income to that person, और वो continuity में हो. कोई एक single transaction नहीं, continuity में हो. So the key ingredients here are a businesses in India, connection between non-resident and that business, a non-resident has earned an income through such connection, and continuity about the business connection. So the property in India is movable and immovable. This is very simple, not much to discuss about. Ek property in India mein assets includes tangible, intangible, copyrights, everything. Any source in India like salary in India and capital asset, अगर कोई capital prop, जो capital asset क्या होते हैं basically उसी की एक लंबी definition है. अगर वो India में है और उससे कुछ income earn हो रही है, then it is deemed to accrue and arise in India. Similarly salaries हैं, dividend income. See basically जो non-resident है उसको कहाँ कहाँ से income हो सकती है. फर्स्ट, वो यहाँ आके बिजनेस करे, विच कम्स इन बिजनेस कनेक्शन. उसने यहाँ आके जॉब कर रखी है, दैट कम्स इन योर सैलरी. उसको किसी कंपनी में उसने इन्वेस्ट कर रखा है, उसको डिविडेंड मिल रहा है, या उसने यहाँ पे इनकम अपना कुछ मनी लेंड कर रखा है तो उसको उसके लिए इंटरेस्ट अर्न हो रहा है.
सो दिस इंटरेस्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट. अगर उसने कुछ अपना पेटेंट राइट रॉयल्टी अर्न कर रहा है आउट ऑफ द पेटेंट राइट्स इन कॉपीराइट, कोई उसने अपनी सर्विसेज इंडिया में दे रखी हैं उससे वो रॉयल्टी अर्न कर रहा है, कुछ फीस ले रहा है फॉर टेक्निकल सर्विसेज, देन ऑल ऑफ देम दीज आर द सोर्स ऑफ इनकम फॉर नॉन रेसिडेंट. आई टेक वन बाय वन. फर्स्ट इज इंटरेस्ट. से इंटरेस्ट उसको तीन जगह से मिल सकता है. गवर्नमेंट से मिलेगा अगर उसने किसी गवर्नमेंट स्कीम में डिपॉजिट कर रखा है, गवर्नमेंट स्कीम को लेंड कर रखा है, तो गवर्नमेंट उसको इंटरेस्ट देगी, बी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. इट इज टैक्सेबल. अगर उसने किसी इंडिविजुअल को, किसी रेजिडेंट को लेंड कर रखा है मनी, उससे वो इंटरेस्ट अर्न करेगा. इट इज टैक्सेबल इन इंडिया. एंड अगर वो इनकम बोरो जो जो इंडियन ने बोरो करी है, अगर वो इनकम आउटसाइड इंडिया यूज हो रही है, दैट मीन्स उसने नॉन रेजिडेंट से इनकम बोरो किया है और बाहर ही यूज कर रहा है, दैट इट इज नॉट टैक्सेबल. इंडिया में वो तब टैक्सेबल होगा जब उसने बाहर वाले नॉन रेजिडेंट से बोरो कर रखी है एंड इट इज यूजिंग इन इंडिया. आई रीड दिस लाइन, इट विल बी वेरी क्लियर टू यू. सेक्शन 9 प्रोवाइड्स दैट इनकम बाय वे ऑफ अ इंटरेस्ट इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया इन केस ऑफ इंटरेस्ट इज पेबल बाय बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. इज सिंपल, अगेन द इंटरेस्ट इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया इफ इन केस इन इन इंडिया इन केस ऑफ इंटरेस्ट इज पेबल बाय रेसिडेंट. इंटरेस्ट इज पेबल बाय रेसिडेंट मतलब नॉन रेसिडेंट ने मनी एक रेसिडेंट को लेंड किया है. रेसिडेंट इन इंडिया हैज बोरोड मनी फ्रॉम नॉन रेसिडेंट और वो उसको यूज कर रहा है. फाइन, ये इनकम, ये जो इंटरेस्ट अर्न कर रहा है नॉन रेसिडेंट, ये तब चार्ज नहीं होगा टू इनकम टैक्स. दिस इज द सिचुएशन एक्सेप्ट वेयर द इंटरेस्ट पर्टेन्स टू एनी डेट इनकर्ड और मनी बोरोड and used for the purpose of business or profession carried on by such person outside India or for the purpose of making or earning any income from any source outside India. That means जो resident है उसने income, उसने money borrow कर रखा है, but that money is used for the purpose of business or profession. And that business and profession, in case if carried outside India, that means non-resident से आपने money लिया, loan लिया है, और आप out of India ही उसको use कर रहे हो, then there is no accruing in India. That time it is not taxable. Again, another point. तीसरा ये है कि non-resident ने non-resident को ही money दिया हुआ है, and it is taxable in India. When that money is put into use into business or profession and such business and profession is in India, tabhi wo accrue in India hoga. A non-resident where interest pertains to any debt money or monies borrowed and are used for the purpose of business or profession carried on by such person in India. Definitely, India mein agar money use ho raha hai, to aap us pe tax loge. Agar nahi ho raha hai, to aap nahi loge. The same is with the royalty. All three points are the same, and the fees for technical services also the same. There are three people: government, resident, and non-resident. Government se agar aap fees ya royalty collect karte, that is taxable. And if you are collecting royalty fees or interest from a resident, it is taxable. It will not be taxable if that amount is put into use outside India, and if you have you are earning fees or royalty from a non-resident. Then again, it is put to tax if it is used in India for any business or profession. में अगर वो money use करा जा रहा है या that money is put to any source और उस source से कुछ income earned. So this is what is income deemed to accrue and arise in India. This is all you have to do in your chapter 2, which is scope of income and residential status. चार्ज ऑफ इनकम, डीम डिविडेंड आप देखोगे
कंपनी के चैप्टर में देखोगे, बहुत अच्छे से देखोगे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये फाइनल तक रहता है. एंड थर्ड चैप्टर इज योर एग्जेम्प्ट इनकम जो अब हमने कार्य करनी है. फाइन, थैंक यू फॉर नाउ, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम.